संविधान का अभिन्न अंग है। धारा 370 भारत और कश्मीर के बीच का वो पुल है जिसको आज मोदी और शाह जो है उसको जला डाल रहे हैं। धारा 370 को खत्म करना ये संविधान पर हमला है। संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई भी निर्णय ये वहाँ के राज्य की चुनी हुई असेंबली की सहमति के बिना नहीं ली जा सकती। राज्य की असेंबली 2018 में खत्म कर दी गई, नए चुनाव राज्य के लिए वो नहीं करवाए गए अब पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ में। और अब वहाँ जब राज्य की असेंबली की गैर मौजूदगी में आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो भारत की सरकार एक तरह से भारत के पूरे पक्ष को कमजोर कर रही है। पूरी दुनिया को बता रही है कि हम लोग कश्मीर में बिना किसी लोकतंत्र के वहाँ पर संवैधानिक जो है कू करके एक तरह का हमला करके संविधान पर हमला करके हम कश्मीर के पूरे कैरेक्टर को बदल रहे हैं। कश्मीरी पंडित फैमिली से आती हूँ, मैं कभी वहाँ रही नहीं हूँ। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो ये एक नैरेटिव भी बताया जा रहा है मीडिया में कि कश्मीरी पंडित हर जगह खुशी मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, ये गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पूरा कम्युनिटी इसका सपोर्ट कर रहा है। हम जैसे भी बहुत हैं जिन्हें लगता है कि ये तरीका नहीं है अपनी खुद के लोगों के साथ, अपने खुद के लोगों को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। पंजाब में क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हो रहा है, व्हाई आर माइनॉरिटीज़ फीलिंग लाइक दिस इन दिस कंट्री? इफ़ दिस इज़ नॉट एन ऑल आउट अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ इन इंडिया एंड इन कश्मीर, देन व्हाट इज़ दिस? ओके, अगर ये करना था लोगों के साथ कंसल्टेशन की जा सकती थी, बात की जा सकती थी, कश्मीरीज को कॉन्फिडेंस में लाया जा सकता था। 370 के फैसले के खिलाफ होने का सबसे बड़ा कारण ये, आई थिंक 370 मेरे को लगता है और हम सब कश्मीरियों के लिए हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। जब एक्सेशन हुआ था तो एक्सेशन की टर्म्स में 370 बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई थिंक जब जैसे कि बहुत लोगों ने कहा कि 370 हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में एक निकाहनामा है, और अगर आप 370 को तोड़ देंगे तो इसका मतलब कि तलाक हो गया। अगर हम समझते हैं कि आज इस प्रावधान से कश्मीर की जमीन पे हम काबिज होना चाहते हैं तो शायद हम और मजबूती से पूरा अगर आर्मी वहाँ चला जाएगा तो ज़रूर ज़मीन के पे हमारा कब्ज़ा रहेगा। लेकिन क्या कश्मीर के लोगों के दिलों में हम राज करना चाहते हैं? आज तो जो प्रो इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी लीडर्स को आपने बंद कर दिया है, तो आप किसके साथ आप रिश्ता बनाएं? कश्मीर आज कैसे हमारे देश का, क्या हमारे देश के साथ आज जुड़ा है, या जुड़ने की जो थोड़ी संभावना थी वो भी आज हमने तोड़ दी है। और आर्टिकल 370 में जो कश्मीर के लिए स्पेशल ऑटोनॉमी की बात थी वो दरअसल कश्मीरियत की हिफाजत करने वाली धारा थी, और आज रातों रात दिन दहाड़े बिना संसद में भी बिना किसी चर्चा कश्मीरी लोगों के साथ तो कोई बातचीत नहीं हुई। कश्मीर में इस वक्त कोई चुनी हुई असेंबली भी नहीं है और वहाँ सिर्फ एक गवर्नर है, और गवर्नर के राय को एक तरह से कश्मीर के लोगों की राय समझ करके सरकार ने ये जो तय कर लिया, तो हम समझते हैं कश्मीर के साथ तो वादा खिलाफी है ही, बहुत ज़बरदस्त वादा खिलाफी। Allah Allah।